गुरुकुल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना, इसलिए टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, अब एग्जाम्स भी खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने रुका था। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1, तो अब हम देखेंगे उससे आगे वाले सेक्शंस। चलिए ओके, आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे एक पेंसिल का लेंथ बताओ, तो आप कैसे बताओगे? मेजर करके बताओगे, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस। तो क्या करोगे आप, वो पेंसिल का लेंथ आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे? पेंसिल इतना बड़ा है क्या? नहीं, मिलीमीटर में हम लोग पेंसिल का लेंथ बताते हैं। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे आपका हाइट मेजर करके दीजिए, ऑफ कोर्स आप वो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, कन्वीनियंट होता है सेंटीमीटर में करने से। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि आप मुझे आप लोगों का जो क्लासरूम है, हालांकि अब तो आप घर में ही बैठे होंगे, तो आपका रूम का साइज ही ले लीजिए। अगर मैं बोलूं रूम के एक साइड को आप मेजर करो, एक ही साइड को, मैंने बोला एक साइड सिंपलिसिटी के लिए, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, मतलब किस यूनिट में मेजर करोगे? मीटर। आसान होगा, अगर आप सेंटीमीटर में उसको मेजर करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम का एक साइड का लेंथ 1000 सेंटीमीटर है, इसी को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सिर्फ 10 मीटर लिखने से ही होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इतना बड़ा नंबर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दे ये पूरा नंबर छोटे यूनिट से, तो आपका नंबर छोटा हो गया, कॉम्प्रेस हो गया। इतना बड़ा बड़ा नंबर हमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये तो बहुत इजी था, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है उसको आप इजीली मीटर या किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो ना। इतना बड़ा नंबर लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सेंटीमीटर में आप क्यों कन्वर्ट करोगे? ठीक है ओके। चलो अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज आप रहते हो आसाम में, और मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे बताओ आसाम से कोलकाता का डिस्टेंस कितना होगा, क्या आप वो मुझे मीटर में बताओगे? कभी सुना है? नहीं सुना ना। जब हम घूमने चलते हैं तो हाईवे में हमेशा ऐसे ऐसे बोर्ड्स लगा हुआ रहता है ना डिस्टेंस का, मतलब यहाँ तक जाने के लिए और कितना डिस्टेंस चाहिए। कभी वो आपने मीटर में लिखा हुआ देखा है? डेफिनेटली नहीं देखा होगा, वो तो किलोमीटर में ही लिखा हुआ होता है। क्यों किलोमीटर में लिखा हुआ रहता है? क्योंकि अगर वो आप मीटर में लिखोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हमेशा एक ही बात याद रखना, हमें जिंदगी में कभी भी बहुत बड़ा नंबर याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऐसे कुछ सिस्टम्स या ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिसमें आप वो बड़े बड़े नंबर्स एक कॉम्प्रेस्ड वे में लिख पाओगे। ऐसा नहीं कि वो बड़ा नंबर आप अगर कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखोगे, कॉम्प्रेस्ड एज इन मतलब कुछ अलग यूनिट में लिखोगे, तो उसका कुछ मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग सेम ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला था आसाम से कोलकाता का डिस्टेंस, सपोज मुझे एक्चुअल वो तो मालूम नहीं, डिस्टेंस तो मालूम नहीं, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि सपोज 2120 किलोमीटर है सपोज। लेकिन अगर मैं यही डिस्टेंस मीटर में लिखना चाहूँ तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, इसके साथ और 3 जीरोज आ जाएंगे। क्यों आया 3 जीरोज? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, समझ में आया? इतना तक आया होगा, मतलब अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है ओके।
हमने ये तो डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं वेट के बारे में, मास, माउंट। इसके लिए अगर मैं बोलूं कि जाओ मेरे लिए मार्केट से कुछ मिर्च, हरी मिर्च खरीद के लाओ, तो आप गए मार्केट के दुकानी को क्या बोलोगे कि भैया मुझे 10 किलो मिर्ची दे दो, क्या ऐसे बोलोगे? कभी 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 देखा है, ओ ओकेजन्स के बारे में भूल जाइए, वो तो अलग है, मैं ऐसे ही मतलब घर के, मतलब जब हम घर में खाते हैं। कभी देखा है अपने पापा को 10 किलो मिर्ची लाते हुए? इतना यूज़ होता है क्या घर में? नॉर्मल डेज में हम 10 किलो मिर्ची खा पाएंगे क्या? नहीं। तो आप दुकानी को क्या बोलोगे कि मुझे 10 किलो मत दीजिए, 10 किलो मत बोलो वहाँ पे, वहाँ हम यूज करेंगे ग्राम्स। किलो तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 10 किलो माय गॉड बहुत ज्यादा, इतना नहीं चाहिए, ग्राम्स में ही लाते हैं। चलो मैं ऐसे ही बोल, मैंने ऐसे ही बोल दिया 100 ग्राम्स लाओ मेरे लिए, 100 ग्राम्स मिर्ची लेके आओ, वो वैलिड है, 100 ग्राम्स हम खा सकते हैं, मतलब यूज करते हैं हम लोग, वो वैलिड है, क्योंकि 100 ग्राम्स हम यूज करते हैं वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन 10 किलो, 10 kgs, माई गॉड कभी नहीं। मिर्ची मतलब वैसे तो अलग, कुछ सब्जियां वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन मिर्ची तो हम लोग इतना यूज नहीं करते ना, तो ऐसे लाइट लाइट चीज़ों के लिए हम मतलब छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, केजी तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूँ कि जाओ मेरे लिए फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ ले, दमोल बहुत खरीद रहे हैं लोग कोरोना की वजह से, ओके तो मैंने बोला कि जाओ बेटा मेरे लिए 10 पैरासीटामोल्स लेके आओ। जब आप जाओगे, जब आप वो खरीदोगे, अगर आप वो उस पैकेट में देखोगे एक टैबलेट का वेट, तो उसमें क्या लिखा होगा, कुछ नंबर दिया होगा, सपोज 10 मिलीग्राम्स। मिलीग्राम्स यहाँ पे मिली वर्ड यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि टैबलेट का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसमें मिलीग्राम्स में होता है। अगर उसमें मैं 10 ग्राम लिख दूं, माय गॉड इतना बड़ा टैबलेट आप खा पाओगे क्या? नहीं ना, इसलिए मतलब जितना छोटा हो जाएगा आपका सामान, उतना छोटा हो जाएगा उसका यूनिट। टैबलेट इतना सा होता है, तो मिलीग्राम, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने से हम इजीली इसका वेट बता सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे पास 10 मिलीग्राम का टैबलेट था ना, टैबलेट, अगर वो मैं ऐसे लिखूँ, ग्राम में लिखूँ, मिलीग्राम को ग्राम में लिखूँ, तो कितना होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, है ना? तो कितना ग्राम्स होगा, कैसे दिखता है ये सब? चलो मैं एक बार करवाई देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 1000 मिलीग्राम अगर 1 ग्राम है, तो 10 मिलीग्राम कितना होगा? यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम इंटू 10 मिलीग्राम बाय 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल, 10 10, तो ये हो गया 0.01 ग्राम। जब पिक्चर में डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है या फिर फ्रैक्शन आ जाता है, तभी दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा होल नंबर याद करने में आसानी होती है एज कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस। तो अब आप जैसे देख सकते हैं, जब मैं 10 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करती हूँ, तो मेरे पास 0.01 ग्राम आता है, पॉइंट आ गया, इनकन्वीनियंस, हम इसको हटा देंगे, यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट यूनिट्स है, मिलीग्राम है, जिसमें लिखने से हमें होल नंबर मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम मिलीग्राम यूज करेंगे ना। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मुझे ये बताइए कि आप एक सपोज ऐसे फार्मेसी में चले गए या फिर कहीं भी जहाँ पे एक वेइंग मशीन है जो हमारा बॉडी का मास वेट करते हैं ना, वो उसमें चल गए, देखा 50 kgs, केजी में होता है, क्यों केजी में होता है? वो अगर ग्राम में होता तो क्या होता, बहुत बड़ा नंबर, 50,000 ग्राम, इतना बड़ा नंबर हमें हैंडल करने की कोई जरूरत ही नहीं है,
कॉम्प्रेस कर दो, बड़ा यूनिट है, यूनिट लगा दो, 50 केजी हो गया। समझ में आया? वो केजीज में करते हैं क्योंकि उसका अमाउंट, उसका नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको बड़े से यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम के कैसे कैसे यूनिट्स होते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि जाओ मेरे लिए बाजार से सरसों का तेल खरीद के लाओ, तो गए आप बाजार गए, अगर आप तेल का पैकेट खरीदोगे तो आप वहाँ पे देखोगे उस पैकेट में कि उसमें 1 लीटर लिखा होता है, 2 लीटर्स लिखा होता है, लीटर लिखा होता है। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि जाओ बकेट में पानी भर के लाओ, तो आप गए पानी भरने के लिए गए, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इस बकेट में कितना पानी आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो आप वो कैसे मेजर करोगे, कौन से यूनिट में मेजर करोगे? लीटर, जो हम हमेशा यूज करते हैं, लीटर में मेजर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ मेरे लिए बाजार से एक हेयर ऑयल खरीद के लाओ, हेयर ऑयल जो हम लगाते हैं, क्या आप वो हेयर ऑयल लीटर में खरीद के लाओगे? 10 लीटर का बोतल लाओगे क्या? खाना बनाना है उससे? नहीं ना, सर पे ही तो लगाना है। वो सब बोतल, हेयर ऑयल या कुछ वैसा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, वो सब बोतल क्यों? आप वो उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करने से एक होल नंबर दिया। समझ में आया होगा आप लोगों को? होल नंबर अगर आपको चाहिए एक छोटे अमाउंट के चीज के लिए, वॉल्यूम के लिए, तो आपको उससे एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ना कि बड़े से यूनिट में। अगर आप बड़े से बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कभी होल नंबर नहीं मिलेगा। होल नंबर नहीं मिलने से हमारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी, इनकन्वीनियंस बढ़ती जाएगी, है ना? इस डिस्कशन का यही एक कंक्लूजन बनता है कि हमेशा हमेशा किलो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है आपका सपोज ग्राम ले लो या फिर मीटर ले लो, ठीक है, और उससे बड़ा होता है, सॉरी ग्राम और मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से या फिर सेंटीग्राम से, और ये सेंटी बड़ा होता है मिली से, ये मिलीग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है ना? ओके, और वॉल्यूम के केस में ये तो हो गया आप लोगों का डिस्टेंस, डिस्टेंस ले लो या फिर लेंथ ले लो, एंड अमाउंट, ये तो इसका ट्रेंड हो गया। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है? लीटर सबसे बड़ा, फिर मिली लीटर, हालांकि और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, इनफैक्ट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लीटर से भी बड़ा होता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लीटर और मिलीलीटर में ज्यादा फोकस करना होता है, ये भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो कि एनसीईआरटी बुक में ही है, ट्राई डीज करके जो सेक्शन है पेज नंबर 13 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द जर्नी इज शोन एज दिस डायग्राम। सो नंबर वन क्वेश्चन में हमको क्या करने के लिए बोला है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। मतलब क्या बोला है आपको फाइंड करने की, ए से स्टार्ट करके पॉइंट डी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होता है। एकदम इजी है, क्या करना होगा? पहले देखो हम कैसे जा रहे हैं, हम तो ऐसे डायरेक्टली ए से डी तक तो नहीं जा रहे ना, ऐसे तो नहीं जा रहे, तो ऐसे हम मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे ए से पहले बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से उसके बाद हम डी पहुंचे, तो हमें कैसे मेजर करना होगा टोटल डिस्टेंस? ए से बी तक का डिस्टेंस पहले लेना होगा, मतलब पहले डिस्टेंस ये कितना होगा इज इक्वल टू, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस लेना होगा यहां से यहां तक,
उसके बाद उसको ऐड करना होगा किससे, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब बी टू सी, और लास्टली सी से डी तक का डिस्टेंस कितना होता है वो इसके साथ ऐड करना होगा। तो ए से बी तक का डिस्टेंस हुआ 4170 किलोमीटर, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस हुआ 3410 किलोमीटर, सी से डी तक का हुआ 2160 किलोमीटर। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा आपका 9740 किलोमीटर। तो बस ने ए से डी तक जाने से उसने कवर किया 9740 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, ये आप करेंगे। मतलब क्या करना होगा, डी से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने, वो हमको फाइंड करने के लिए बुलाए। सेम ही बात है क्वेश्चन नंबर 1 में भी, हमने वही किया था, ए से डी तक का था, अब होगा डी से जी तक का डिस्टेंस, मतलब डी से ई से एफ और एफ से जी जाने के लिए जो जो डिस्टेंस है इन सबको ऐड करना होगा। ऐड करने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आंसर आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, सिर्फ आंसर बोलूंगी। डी से जी तक जाने के लिए आंसर निकलता है 15,220 किलोमीटर। ये बहुत सिंपल था, इन सबको सिर्फ ऐड ही करना होता है। ऐड कर देने से आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। तो इसमें क्या बोला है कि आपने ए से शुरू किया था जर्नी, आपका जर्नी ए से, पॉइंट ए से शुरू हुआ था, लेकिन घूमते फिरते आप फिर ए में ही पहुंच गए। मतलब अगर आप कहीं कभी जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो क्या आप वहाँ हमेशा के लिए रहते हो क्या? फिर से घूम के तो घर ही आ जाते हो ना वापस। इसी तरह बस ने भी पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और घूम फिर के वो पॉइंट ए पे ही आ पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि ए से ए तक का डिस्टेंस कितना होता है, ये भी बहुत ही इजी है। चलिए मैं दिखा देती हूँ फिर भी। क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस उसके साथ ऐड करना होगा, बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ई प्लस ई से एफ प्लस एफ से जी प्लस जी से फिर ए तक। अगर आप ये सारे डिस्टेंस जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो आप अगर ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा ए से ए तक आने का। इसका आंसर आपको चाहिए क्या? ये सब आपको तो पता ही है, ऐड ही कर दो सब, फिर भी मैं सिर्फ आंसर ही बोल देती हूँ। तो इसका आंसर आता है 26,250 किलोमीटर्स। आप लोग घर में करके देख लीजिए, अगर ये आंसर आया तो आप बिल्कुल सही है। और एक देखते हैं, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। ओके, मतलब आपको क्या बोला है कि सी से डी तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस होता है और डी से ई तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस है, यहाँ पे मेंशन सी से डी तक था 2160, डी से ई तक था 8140। तो आपको बोला है कि सी से डी जाने के लिए जितना डिस्टेंस होता है, डी से ई जाने के लिए जितना डिस्टेंस होता है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। समझ में आया आपको? मतलब एक बहुत इजी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मेरे पास मान लो एक स्केल है जो कि इतने हाइट का होगा और ये एक पेन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का आपको हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे? पहले तो इससे इसका हाइट आप मेजर कर लोगे, है ना, उसके बाद इसको आप मेजर करोगे। मेजर करने के बाद इसके हाइट से इसके हाइट को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, है ना, तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों का हाइट का डिफरेंस कितना होगा, है ना। मतलब डिफरेंस मतलब ये स्केल तो देखने से ही मालूम चल रहा है कि ये बहुत लंबा है इस पेन से, मतलब पर कितना लंबा है वो हमें
कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले दोनों का लेंथ ले लेते हैं और बड़े वाले से छोटे वाले का लेंथ घटा देते हैं। अब ठीक उसी तरह इन दोनों का वैल्यूज हम देख के ही बोल सकते हैं ना कि 8140 इज ग्रेटर देन 2160, मतलब डी से ई तक का डिस्टेंस ज्यादा है सी से डी से, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले डी से ई तक का डिस्टेंस हम लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा है, हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर घटाते हैं, और उसके बाद सी से डी तक का डिस्टेंस यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो घटाने से हमको मिलता है 5980 किलोमीटर, मतलब डी से ई जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा 5980 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा एज कंपेयर टू सी से डी तक जाने के लिए। समझ में आया होगा यहां तक। अगला देखते हैं, ये लास्ट होगा यहां से। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। नंबर वन, ए से बी तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगा वो फाइंड करने के लिए बोला है। टाइम कहीं मेंशन है क्या यहाँ पे? मेंशन तो नहीं है, कैसे निकालोगे? सोचो कि क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया हुआ था, बस का स्पीड दिया हुआ था ना 60 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब क्या होता है? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में बस 60 किलोमीटर कवर कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे दिया हुआ है अगर, तो आप यहां से क्या बता सकते हो कि बस एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ए से बी तक का डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर, तो बस को कितना टाइम लगेगा 4170 किलोमीटर कवर करने में अगर वो 60 किलोमीटर कवर करता है एक घंटे में? यही था क्वेश्चन, यहां से ही हम निकाल पाएंगे टाइम। चलो पहले देखते हैं कि स्पीड दिया हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख लेते हैं। यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 60 किलोमीटर इज आवर, है ना, क्योंकि एच मतलब यहाँ पे आवर होता है। तो तो 1 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1/60 आवर्स, ये होगा 1 किलोमीटर कवर करने से ऐसा ही होता था। यूनिटरी मेथड याद करो। देयरफॉर 4170 किलोमीटर विल बी कवर्ड इन 1/60 इंटू 4170 आवर। तो इसका आंसर कितना निकल के आता है? सॉल्व करने से आपको मिलेगा आंसर 69.5 आवर्स। समझ में आया होगा यहां तक? तो ये इजी था। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 5, B, C, D, V है, लेकिन आई एम डैम श्योर आप उसे खुद से सॉल्व कर पाओगे। इजी है, बहुत इजी है, सेम ही मेथड यूज कर देना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता है वो पहले आप जान लीजिए, उसके बाद आप यूनिटरी मेथड यूज करके उसे आराम से सॉल्व। आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।